सॉफ्ट जूसी मखमली मुंह में घुल जाएं, वैसी है आज की ये रेसिपी। घर पे बनाना एकदम आसान, बस कुछ इंग्रेडिएंट्स लगेंगे और आपके पास होगा ये मुंह में घुल जाए जैसा दानेदार बट सॉफ्ट कलाकंद। जी हाँ, सही सुना आपने, देख रहे हैं ना ही इसका टेक्सचर, बाजार की मिठाई से कई गुना बेहतरीन, स्वाद में एकदम मस्त जबरदस्त। तो आज बनाते हैं हम ये कलाकंद। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू हिट रेसिपीज। कलाकंद बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक मोटी तलह की एक बर्तन में 1.5 लीटर फुल फैट मिल्क लिया है। पहले मैंने थोड़ा पानी मिला दिया था उसमें और फिर मैंने इसमें दूध डाल लिया था। दूध को हमने गर्म करने के लिए रख दिया था और इस तरह एक बर्तन में मैंने आधा कप पानी ले लिया है। अब इस पानी में मैं मिलाऊंगी 2 टेबलस्पून जितना विनेगर। आप चाहे तो इसमें नींबू का रस भी मिला सकते हैं या नींबू का सत भी मिला सकते हैं, जिसे हम हमारे दूध को फाड़ने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे विनेगर मिला दिया है। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे पानी में और इसी से हम अपना दूध आज फाड़ने वाले हैं। अब दूसरी तरफ मैंने एक बड़े से पतीले पे इस तरह की एक छलनी रख दी है। छलनी के ऊपर मैं एक पतला किचन का टॉवल लगा दूंगी। आप चाहे तो कोई भी मसलिन क्लॉथ भी ले सकते हैं। अब दूसरी तरफ हमारा दूध अच्छा उबाल पे आ गया है। फ्लेम को मैं थोड़ा सा मीडियम कर दूंगी और अब मीडियम फ्लेम पे ही इसे मैं थोड़ा सा मिक्स करूंगी और थोड़ा चलाते हुए 1 मिनट तक और रखूंगी, ताकि जो हमारा दूध है वो थोड़ा सा ठंडा हो जाए। मतलब हमें पूरी तरह से इसे ठंडा नहीं करना है और थोड़ा थोड़ा करके हम अपना विनेगर का मिश्रण इसमें मिला देंगे। थोड़ा थोड़ा मिलाने से जो हमारा छेना है वो एकदम सॉफ्ट होगा, बिल्कुल भी फर्म या हार्ड नहीं होगा, जिससे कि हमारा कलाकंद भी मुंह में घुल जाएगा। अब चम्मच में मैंने थोड़ा सा दूध और लिया है, उसमें हम ये पानी मिला देंगे और उसे वापस हम दूध में मिक्स कर लेंगे। इसी तरह से हम थोड़ा थोड़ा करके हमारे दूध को फाड़ते जाएंगे। पूरा मिक्सचर हमें एक ही बार में नहीं मिलाना है, क्योंकि हमारा जो छेना है वो बहुत हार्ड हो जाएगा और फिर हमारा कलाकंद भी बहुत हार्ड होगा। तो मुंह में घुल जाए ऐसा कलाकंद हमें चाहिए, इसलिए हम इसे बैचेस में इस तरह से मिला मिला के हमारे दूध को पूरी तरह से फाड़ेंगे, जब तक कि हमें इस तरह का एक मिश्रण ना मिले। देखिए, हमारा छेना एकदम से अलग हो चुका है। अब हम इसे फ्लेम से निकाल देंगे। फ्लेम से निकालने के बाद जो छलनी हमने रेडी की थी उसमें हम इसे इस तरह से स्ट्रेन कर देंगे, सारा जो पानी है वो निकाल देंगे। इस पानी को आप कढ़ी में, दाल में या फिर आटा गूंथने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब प्लेन पानी से हम हमारे छेना को अच्छे से वॉश कर लेंगे। 3 से 4 बार हमें इसे वॉश कर लेना है, ताकि इसमें अगर कोई भी खट्टी स्मेल या खट्टा स्वाद हो वो पूरी तरह से निकल जाए। ऐसा करने से हमारे कलाकंद का स्वाद बहुत ही बढ़िया आएगा। तो इस तरह से मैं इसे 3 से 4 बार वॉश कर लूँगी, बार बार पानी चेंज कर लेंगे, ताकि जो हमारा कलाकंद है उसका अच्छा टेस्ट आए। तो आप देख सकते हैं, अच्छे से हमने इसे वॉश कर लिया है। एक बार कपड़े को भी हम इस तरह से ले लेंगे और जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो भी इसमें से निकाल देंगे। सारे एक्स्ट्रा पानी को हमें निकाल देना है और इस तरह का हमारा छेना बनके तैयार हो जाएगा। आप देख सकते हैं, एकदम सॉफ्ट हमारा छेना बनके तैयार हुआ है। बट ताकि हमारा कलाकंद और सॉफ्ट हो, तो हम इसके साथ और एक प्रक्रिया करने वाले हैं, जैसे कि हम रसगुल्ले के साथ करते हैं। इसमें बिल्कुल मॉइस्चर नहीं है, तो अब हम इसे निकाल देंगे। सारा पानी ड्रेन आउट हो चुका है, तो इसे पूरी तरह से हम निकालने के बाद एक प्लेट में ट्रांसफर करने वाले हैं। इस पानी को आप डिस्कार्ड कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक थाली ले ली है, आप चाहे तो एक परात का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, सारे छेना को इस तरह से प्लेट में मिला देंगे और प्लेट में मिलाने के बाद हमारी हथेली की मदद से इसे स्मूदन आउट कर देंगे। जिस तरह से हम रसगुल्ला बनाने के वक्त इसे स्मूदन आउट करते हैं, बस उसी तरह से हमें थोड़ा थोड़ा छेना लेते जाना है और इसे स्मूदन आउट करते जाना है। छेना हमारा अच्छे से मिक्स हो जाएगा, अच्छे से स्मूदन आउट हो जाएगा और आप देख सकते हैं जैसे जैसे हम ये प्रक्रिया करते जा रहे हैं, छेना का टेक्सचर कितने अच्छे से निखर के आ रहा है। देख रहे हैं ना, अच्छी तरह से स्मूदन आउट भी हो रहा है हमारा छेना और इसे हम अच्छी तरह से एक बॉल में भी बना पा रहे हैं। बस इसे हमें लगभग 5 से 6 मिनट तक इस तरह से स्मूदन आउट करना है, जब तक कि इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की ना हो जाए। आप देख रहे हैं, सारा छेना एक साथ आ रहा है, स्मूथ हो गया है, सॉफ्ट हो गया है। टेक्सचर में अगर आपको दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह का होना चाहिए, ये परफेक्ट टेक्सचर है। अब दूसरी तरफ एक मोटी तलह की कढ़ाई में मैंने 1/2 लीटर फुल फैट मिल्क डाल दिया है। अब इस दूध को हम थोड़ा सा उबालेंगे, क्योंकि हमें कलाकंद जल्दी बनाना है। तो मैंने यहाँ पे 1.5 लीटर का छेना बनाया है और 1/2 लीटर को मैं इस तरह से उबालने वाली हूँ मीडियम फ्लेम पे। जैसे जैसे इसमें क्रीम बनती जाएगी, हम इसे वापस दूध में मिलाते जाएंगे और इसे हम तब तक
पकाएंगे जब तक कि इसका टेक्सचर थोड़ा खोए जैसा ना हो जाए, मतलब दूध गाढ़ा होना चाहिए। और क्योंकि ये आधा लीटर ही है, ये प्रक्रिया बहुत जल्दी भी हो जाएगी। यहाँ मैंने 2/3 कप शक्कर मिला दी है, आप अपने हिसाब से शक्कर को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब शक्कर मिलाने के बाद दूध थोड़ा पतला होगा, जब दूध थोड़ा पतला होगा तब हम इसे और थोड़ा सा पका लेंगे। आप देख सकते हैं कि जब हम शक्कर मिलाएंगे, जब ये वापस उबाले पे आएगा तो इसमें इस तरह के बबल्स होने लग जाएंगे। जब हमारे बबल्स अच्छे से फॉर्म होंगे तो हम इसे और थोड़ा पकाएंगे, और जब इस तरह के बबल्स आपको दिखने लगेंगे हमारे दूध में, ये राइट टाइम है हमारे स्मूदन आउट किए हुए छेना को मिलाने का। अब छेना मिलाने के बाद मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी। मैंने छेना थोड़ा अर्ली मिला दिया है ताकि जो हमारा छेना है वो भी दूध के साथ अच्छे से पक जाए। तो पहले दूध को थोड़ा गाढ़ा करना है, खोए की कंसिस्टेंसी में लाना है, 5 से 6 मिनट तक उबालना है, फिर उसमें हम छेना मिलाएंगे और फिर इसमें हम छेना मिलाएंगे जब उसमें बबल्स आ जाए। तो आप देख सकते हैं छेना हमारा अच्छे से कुक हो रहा है दूध के साथ, गाढ़ा हो रहा है हमारा मिश्रण। और जब मिश्रण कुछ इस तरह का होगा, अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा और दूध और छेना आपको एक मेक लगने लग जाएगा, जब बुलबुले ऑलमोस्ट स्टॉप हो जाएंगे, कुछ इस तरह से लगेंगे, तब आप इसे फ्लेम से निकाल देना। मैं इसे फ्लेम से भी थोड़ा जल्दी ही निकाल रही हूँ ताकि जो हमारा मिश्रण है उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर हो। मैं इसे इस तरह के ग्लास पैन में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। आप चाहे तो कोई भी मिठाई के पैन में इसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसे लेवल और स्मूदन आउट कर लेंगे एक स्पैचुला की मदद से। थोड़ा सा लिक्विड ही होगा मॉइस्चर, तो इसका मतलब हमारा कलाकंद फर्म और हार्ड नहीं होगा, मुंह में घुल जाएगा। इसे मैं थोड़े से स्लाइस हुए पिस्ता से गार्निश करूंगी। आप चाहे तो इसके ऊपर केसर का पानी भी चाट सकते हैं। तो स्लाइस हुए पिस्ता से इसमें बिल्कुल बाजार की फील आएगी और इसका बहुत अच्छा टेस्ट भी आएगा। आप चाहे तो कलाकंद में थोड़ा सा इलायची का पाउडर भी मिला सकते हैं। अब इसे कुछ घंटों के लिए मैं सेट करने रख दूंगी और जब ये पूरी तरह से सेट हो जाएगा, मैं इसके पीसेस इस तरह से काट लूंगी। क्योंकि हमारा कलाकंद अच्छे से सेट हो चुका है, आप देख सकते हैं कितने नीटली हम इसके स्लाइसेस काट पा रहे हैं। तो कलाकंद को अब थोड़ा सा लिक्विड ही होगा मिश्रण, तभी फ्लेम से निकाल दीजिएगा ताकि जो हमारा कलाकंद है वो दानेदार भी हो और मुंह में घुल जाए, एकदम जूसी और सॉफ्ट भी हो। तो आप देख सकते हैं अच्छे से मैंने इसके पीसेस कट कर दिए हैं। कितनी आसानी से बस घर पर पड़े हुए इन्ग्रीडियंट से हम बाजार जैसा कलाकंद बना के तैयार कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी देख रहे हैं ना आप, एकदम बाजार जैसा, कितना मस्त दानेदार लग रहा है और टेस्ट में तो ये एकदम बेहतरीन है। तो फ्रेश फुल फैट दूध से आप इस कलाकंद को कभी भी अपने घर पे कोई भी ओकेशन के लिए झटपट तैयार कर सकते हैं। ये सबको बहुत पसंद भी आएगा। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? है ना बहुत आसान। और सारे टिप्स और ट्रिक्स आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा परफेक्ट कलाकंद बनाने के लिए एक ही शॉट में। और अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।